हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मार्गो सोप का। तो सबसे पहले बात करती हूँ, मार्गो सोप बहुत पुराना सोप है और बहुत समय से चला आ रहा है। तो इसको कहा जाता है कि नीम से प्रॉपर बना हुआ है, जैसे कि आप फोटो में देख भी सकते हैं कि इसमें नीम की पत्तियां बनी हुई है। तो गाइस, पहले चलो बात कर लेते हैं हम लोग इसकी पैकेजिंग की। सो गाइस, ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह पैकेजिंग में आया है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम, और जिसका नेट प्राइस है वो है 30 रुपीज। तो ये 100 ग्राम की टिक्की आती है 30 रुपीज की। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें क्या क्या डाला गया है, तो गाइज इसमें विटामिन ई, जैसे कि आप देख सकते फ्रंट पे ही लिखा हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि विटामिन ई होता है वो डीप आपकी स्किन को नरिशिंग करता है, डीप मॉइस्चराइज करने का काम करता है, प्लस जो आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स होते हैं हमारी स्किन पे उसको क्लीन करता है। और इसमें नीम का भी यूज किया गया है। बाकी मैं आपको इसमें इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। तो गाइस, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है इसमें, उन्होंने सोडियम पैलमेट, सोडियम नीम ऑयल, एक्वाटार्क परफ्यूम, सोडियम क्लोराइड और जेली, और ये बहुत सारी चीजों का यूज किया गया है इसमें, डाला गया है। तो इन सबके मिश्रण से बना हुआ है ये। और जो ये बता रहे हैं इसके बारे में, गाइस इसमें ऐसे कुछ लोग इन सब को जो होता है फेस पे भी यूज करते हैं मार्गो साबुन को, क्योंकि नीम का होने की वजह से। तो वैसे कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ आपकी फेस पर किसी भी सोप को यूज किया जाए, क्योंकि ये जो सोप होते हैं ये स्किन को बहुत ड्राई करते हैं, और विंटर में तो वैसे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। आप नॉर्मल मौसम में भी अगर फेस पर अपना सोप लगाते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, जो आपका स्किन की नमी होती है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ड्राई करता है। इन द लॉन्ग रन अगर हम लोग साबुन का यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी स्किन जितनी भी नमी होगी वो बिल्कुल खत्म ही कर देगा। तो ऑयली स्किन वाले एक बार इसको यूज कर सकते हैं फेस पे, पर ड्राई स्किन वालों को तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी, और विंटर मौसम में तो कोई भी ना ही करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइज ये है इसका, और अब दिखा देती हूँ मैं आपको साबुन अंदर से कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये अंदर से इस तरह का बिल्कुल ग्रीन रंग का है, और काफी अच्छा लगा देखने मुझे, डार्क ग्रीन है और इस पर ही इस तरह से पत्तियां भी जैसे नीम की होती है वैसा बना हुआ है। और गाइज जो इसका फ्रंट है वो ऐसा है, और इसे इस पर लिखा हुआ है मार्गो, और 100% ओरिजिनल नीम इसने लिखा हुआ है। और गाइज इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि मार्गो जो है इसका है, प्लस उन्होंने बताया है कि ये जो है साइंटिफिकली प्रूव है कि अमेजिंग बेनिफिट है आपके स्किन के लिए इसमें अगर यूज करते हैं। और इन्होंने ये भी बताया हुआ कि मार्गो जो है नीम से बना हुआ है, 100% ओरिजिनल नीम का इसमें यूज किया गया है। और उसमें थोड़ा सा इन्होंने कुछ मात्रा में विटामिन ई को भी ऐड किया हुआ है, जो आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है और स्किन को जो है नरिशिंग करता है, स्पॉटलेस बनाना है बनाता है, और एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि नीम का इसमें यूज किया गया तो एज ए एंटी बैक्टी, तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है और डीप क्लींजर भी करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को। तो कंपनी ये दावा कर रही है कि प्योर नीम से बनाया गया है। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू। और एक चीज और बोल देती हूँ गाइज, अगर खुशबू की बात करेंगे तो खुशबू उसमें काफी डिफरेंट लगी मुझे खुशबू। वैसे स्मेल काफी तेज है, पर नहाने के बाद ज्यादा स्मेल नहीं आती है इसमें, और झाग वगैरह भी ठीक है। सो गाइज कंपनी ये क्लेम करती है कि ये प्रॉपर नीम से बनाया गया है, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक दो लेकर आई थी और एक हम यूज कर रहे हैं और एक ये है। तो ये था मेरा रिव्यू गाइज, जो मैंने आपको बताया। सो वीडियो अगर जैसा भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।